नमस्कार, आप सबका स्वागत है। फिल्म दंगल की एक्ट्रेस जायरा वसीम 17 ने एयरलाइंस में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। अपने साथ हुई घटना का जिक्र उन्होंने एक वीडियो के जरिए किया, जिसे जायरा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। एक्ट्रेस ने कहा है कि विस्तारा फ्लाइट के क्रू ने शिकायत करने पर कोई मदद नहीं की। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग NCAA ने घटना पर संज्ञान लेते हुए एयरलाइंस को नोटिस जारी किया है। जायरा के साथ यह घटना शनिवार रात को दिल्ली मुंबई फ्लाइट में हुई। एयरपोर्ट पहुंचकर उन्होंने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें वे रोती हुई नजर आईं। वहीं एयरलाइंस घटना की जांच कराने की बात कही है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर जायरा वसीम ने लिखा, पिछली सीट पर एक अधेड़ शख्स ने मुझे गलत तरीके से छुआ। फ्लाइट में धीमी लाइट का फायदा उठाकर वह काफी देर तक पैर से मेरी कमर और गर्दन को टच करता रहा। मैंने उसे टोका पर उसने फ्लाइट में झटके का हवाला दिया। जायरा ने वीडियो में कहा, मैंने अभी मुंबई में लैंड किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं कि आप एक इंसान को ऐसा महसूस कराएं। क्या आप ऐसे ही लड़कियों की रक्षा करेंगे? कोई मदद के लिए नहीं आया। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक विस्तारा एयरलाइंस ने कहा है कि हमने कल रात जायरा के साथ हुई घटना की जांच करेंगे। मामले में कार्यवाही के लिए जायरा को पूरा सपोर्ट भी देंगे। ऐसे मामलों में हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCAA ने भी जायरा के साथ हुई घटना पर संज्ञान लिया है। चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा, मैंने अभी इंस्टाग्राम पर वीडियो देखा, दिल से दुखी हूँ। यह बेहद डरावनी घटना है, जिसके बाद क्रू मेंबर्स ने भी लड़की की कोई मदद नहीं की। विस्तारा एयरलाइंस ये दावा कर रही है कि ऐसे मामलों में उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। यह बेहद चौंकाने वाला है। रेखा शर्मा ने कहा, फ्लाइट में महिला पैसेंजर के साथ छेड़छाड़ होने पर विस्तारा के क्रू संवेदनहीन है। मैं इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए एयरलाइंस को नोटिस जारी कर रही हूँ। विस्तारा के खिलाफ कार्यवाही के लिए इसकी कॉपी महाराष्ट्र के DGP को भी भेज रही हूँ। विस्तारा से कहना चाहती हूँ कि अगर महिला पैसेंजर्स की सेफ्टी को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो अब तक छेड़खानी करने वाले पैसेंजर का नाम क्यों नहीं बताया गया? ये बेहद जरूरी है। जायरा को हर संभव मदद का भरोसा दिलाती हूँ। जायरा वसीम का जन्म 23 अक्टूबर 2000 को जम्मू कश्मीर में हुआ था। वे टाटा स्काई, नोकिया, लूमिया समेत कई एड में नजर आ चुकी हैं। आमिर खान की फिल्म दंगल से पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद वे सीक्रेट सुपरस्टार में भी नजर आईं। यह फिल्म अगस्त में रिलीज हुई। 16 साल की जायरा ने 2017 में 10वां क्लास के एग्जाम में 92% मार्क्स हासिल किए थे। सीक्रेट सुपरस्टार के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला।